एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बहुत लोगों ने बहुत बार मुझे पूछा है, क्लास के बीच में भी बहुत लोग पूछते हो कि मैम ये बता दो कि कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलो दो लाइन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से कर पाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, हम लोग NTA-UGC NET के लिए डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं आन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे। उसके साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें भी हम लोग मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये यूनिट 2 के सी पोर्शन से लिया गया है, कॉस्ट बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है। चलो देखते हैं। एंड उससे पहले, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, क्रैक NTA-UGC NET/JRF इन एडुकेशन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड अन अकेडमी पे भी मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री क्लासेस है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको स्पेशल क्लास बोलते हैं। अब जब भी अन अकेडमी पे मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो उसमें स्पेशल क्लास बोल के आपको दिखेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें क्लिक करना आप, फिर बहुत सारे क्लासेस जो बिल्कुल फ्री है वो देख सकते हो। तो अगर कोई कोड चाहिए देखने के लिए तो अनुकंपा कोड डाल देना, क्लास अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो देखो, कॉस्ट बेनिफिट, बेनिफिट मतलब बेनिफिट कब देखते हैं, तो कुछ आपने खर्चा किया होगा उसका कुछ रिटर्न आपको मिला होगा। तब अगर हम लोगों ने 100 रुपीज़ खर्चा किया, 500 रिटर्न मिला, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का 400 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट तो बेनिफिट तो इस तरीके से देखा जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पैसे के टर्म में हम लोग देखते हैं बेनिफिट को, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा ब्रॉडर सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एडुकेशन के फील्ड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एडुकेशन। तो क्या है, जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आपके पास मानो कि आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, अभी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक रास्ता आप ले सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता लेने से, ठीक है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करने से आगे जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, है ना। हम लोग तो वही देख के करते हैं। अभी जो आप लोग नेट एग्ज़ाम देने वाले हो, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप चाहे तो कहीं पे भी कोई जॉब कर सकते थे या फिर फर्दर कुछ पढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या सिलेक्ट किया कि आपको नेट का एग्ज़ाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो इसमें आपने ज़्यादा फ़ायदा देखा होगा, ठीक है। जब हम लोग मार्केट जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए या कुछ भी खरीदने के लिए, तो फिर जब हम लोगों के सामने वैरायटीज़ मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कपड़ा दिखा दिया, तो आप क्या करोगे, तो हम लोग देखते हैं ना कि कौन सा लेने से ज़्यादा दिन चलेगा, है ना, कौन सा लेने से हम लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा है वो देख लेते हैं ना। तो जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होता है सिलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग हमेशा बेस्ट वाला ऑप्शन ही लेना चाहते हैं, जो हमें जो लेने से ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब एडुकेशन के फील्ड में अगर देखा जाएगा तो जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है कौन सा एडुकेशन हमें सिलेक्ट करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि कौन सा एडुकेशन मतलब कौन सा फील्ड सिलेक्ट करने से उसमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड आगे जाके रिटर्न कितना मिलेगा, ठीक है, ये हम लोग देख लेंगे। मतलब अगर ऐसा हुआ कि पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब हम लोग एनालाइज करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के लिए ज़्यादा सुइटेबल है, मतलब कौन सा ऑप्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, वो देख के हम लोग कोर्स सिलेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव,
तो देखो कॉस्ट बेनिफिट इसलिए क्या हुआ, कॉस्ट बेनिफिट में हम लोगों ने सिर्फ पैसे के टर्म में देखा है तो वो क्वांटिटेटिव है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। अभी कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट भी देखते हैं एंड इफेक्टिवनेस को भी देखते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, मतलब जिस काम के लिए खर्चा किया है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। ये ज़्यादातर हेल्थ फैक्टर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मानो कि कोई भी फैक्टर में कर सकते हो। वैसे मानो कि कोई पर्सन है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो सेल्फ स्टडी के साथ साथ आन अकादमी के सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली कहीं पे जाके कोचिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो फिजिकली जाके कोचिंग कर रहा है उनका, उनको ज़्यादा पैसा लगेगा, ये सब लोग जानते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है। मानो कि इनको JRF के लिए इनको कोर्स करना है तो 30,000 इनका कोर्स फीस है, ठीक है। लेकिन आन अकेडमी पे आपको पता है कि एक मंथ का लोगे तो 3,000 है, 3,000 समथिंग है, उसमें से भी आप मेरा कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अनुकंपा कोड लगाने से 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिमिलरली 6 months का लोगे तो वैसा ही कुछ, 10,000 से तो कम ही है, ठीक है। तो मतलब बहुत कम पैसा में आपने, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंड यहाँ पे बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो आप लोगों को, मतलब हर एक एडुकेटर से पढ़ सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन से। आपको फर्स्ट पेपर भी मिल गया, सेकंड पेपर भी मिल गया, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जो सेल्फ स्टडी एंड आन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहा है तो उनका नेट JRF हो गया, ठीक है। अगर वो आन अकेडमी से पढ़ेगा तो कम पैसे में होगा, अगर वो फिजिकली कहीं पे जाके पढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा। तो फिर कौन सा ज़्यादा, मतलब मानो कि दोनों से उनका नेट क्लियर हो जाता, नेट JRF इधर से पढ़ेंगे तब भी क्लियर होगा एंड कोचिंग जाके पढ़ेंगे तब भी क्लियर होगा, लेकिन कम पैसे में इफ़ेक्टिव रिजल्ट कहाँ से मिला उनको, इधर से मिला, आन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म से पढ़ा एंड सेल्फ स्टडी करके पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ कम पैसे में उनका हो रहा है, इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा है, तो ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कम पैसे में जब हम लोग के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होता है तो हम लोग देखते हैं कि कम पैसे में कौन सा ऑप्शन हमें इफेक्टिव रिजल्ट देगा। इफेक्टिव रिजल्ट लेकिन देना पड़ेगा, अगर आपने सेल्फ स्टडी करके पढ़ा, आपका नेट अगर बाय चांस क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसको इफेक्टिव नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो कम पैसे में इफेक्टिव रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने से कम पैसे में काम बनेगा हम लोगों का, ठीक है। तो वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। मानो कि कोई एक पर्सन है जिनको ना एक चोट लगा है हाथों में, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि यहाँ पे चोट लगी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना एक सर्जरी करना चाहिए, ठीक है, एंड सर्जरी का फीस आएगा आपका 20,000, ऐसे बोल दिया। तो आपने क्या सोचा, 20,000 इतना पैसा तो अभी नहीं है, तो एक काम करते हैं और एक डॉक्टर के पास जाके देखते हैं। तो उस एक अलग डॉक्टर के पास आप गए तो उनको बोला कि मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर ने आपको बोला कि ज़्यादा चोट नहीं है आपका, ये आप ना एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओ, ठीक है, फिजियोथेरापी कर लो इनका। तो फिर जो जिसमें आपको ये 5,000-6,000 जैसा लगेगा, तो आपने सोचा चलो देख लेते हैं, फिजियोथेरापी करके अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर सर्जरी करा लेंगे, और है ना। तो आप गए फिजियोथेरापिस्ट के पास, तो जाके आप कुछ दिन जाने के बाद आपका ठीक हो गया। तो फिर क्या हुआ, अगर आप सर्जरी करते तब भी शायद आपका ठीक होता, एंड अभी यहाँ गए तो यहाँ पे भी आपका ठीक हो गया। मतलब क्या है कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहा ना आपके लिए, कम पैसे में आपको फ़ायदा हुआ, कम पैसे में आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, मतलब कम पैसे में इफेक्टिव रिजल्ट कौन सा ऑप्शन से हमें मिलेगा वो सिलेक्ट करना, वो होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखा जाता है, एक है पैसा भी तो हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब क्वांटिटेटिव भी है एंड इफेक्टिव रिजल्ट भी आना चाहिए, तो इफेक्टिवनेस होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। तो फिर जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है वो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज ओनली क्वांटिटेटिव, ठीक है। एंड बाकी बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए जो कल हम लोग करने वाले हैं, ये स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग आके ज्वाइन करना। कब ज्वाइन करना है, कल मॉर्निंग 10 बजे
आपके जो एडुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट टू है पूरा यूनिट हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख के अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आप लोग आके ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री क्लास है ये, ठीक है। एंड अगर कोई भी कोच चाहिए आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ये कोच डाल देने से आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं मॉर्निंग 10 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं जब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।